नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हमीरपुर के राठ में सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन लखनऊ के आह्वान पर राठ में असहाय जरूरतमंदों को वितरित भोजन पैकेट। गौस उल आजम बड़े पीर साहब कमेटी ने लंच पैकेट वितरित किए। कमेटी के अध्यक्ष सभासद इनायत कारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को लंच पैकेट वितरित कर रहे हैं। बताया कि लॉकडाउन का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। लंच पैकेट बांटते समय किसी प्रकार की भीड़ नहीं की जा रही है। इस दौरान कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। हमीरपुर से चमन अली की रिपोर्ट। सैयद साहिद अली जी, आज आप लोगों के द्वारा ये कुछ भोजन सामग्री वितरित कराई जा रही है। हाँ, ये दरगाह कमेटी राठ की जानिब से गरीबों के लिए करोना वायरस को जो देश में आजकल चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने ये गरीबों के लिए जो चिन्हित किए हैं, जहाँ जहाँ गरीब हैं उनके घर घर ये पहुँचाने का काम किया है। इसमें आप लोग सहयोग करें और गवर्नमेंट के नियम चल रहे हैं करोना के लिए उसमें सहयोग करें। इसमें राशन सामग्री या जो भोजन सामग्री आप वितरित कर रहे हैं उसमें किन किन नियमों का ध्यान रखा जा रहा है? इसमें जो हमें बताया गया है 1 मीटर की दूरी पे जो भी नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग जो है ये गरीबों के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना जो है घर घर जो है जाके चिन्हित करके दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट ने नियम निकाले हैं इसके लिए करोना के लिए, इसमें सब सहयोग करें गवर्नमेंट का, और आपकी सुरक्षा के लिए है ये जो किया गया है, और उसमें उनका सहयोग करें और कोऑपरेट करें।